हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आयोग सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपा नेगी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। मुँह फुन बोल, राधे राधे बोली, काली काली। और अभी हमारे दोनों कुत्ते ना दूसरे गांव जाने की तैयारी में हैं, और इनके लिए ना रोटी राटी पैक हो गई है अब काली। और मेरी तैयारी हो रही जंगल जाने की, और जो मेरे साथ की हैं वो वहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं अभी रास्ते पे सामने पे। तो चलिए आज ना चलते हैं खूबसूरत जंगल की ओर, और आज जंगल में वीडियो बनाएंगे अपनी सहेलियों के साथ में। तो काफ़ी दिनों से जंगल में वीडियो नहीं बनाई, रात रात कितनी भयंकर बारिश हुई, गधेरा भी आ गया भाई आज। तो ये मोनी तैयारी हो चुकी है अपने कुत्तों को दूसरे वाले घर में ले जाने की, और यहाँ पर इनके लिए रोटी राटी और ये दूध है इसमें। तो चलिए जी, मैं भी चलती हूँ फटाफट से। ओके, जाएंगे पुल पार करके उधर जाएंगे हम जंगल। आराम, मैं आपको ना गधेरा भी दिखा देती हूँ। दो घंटे की बारिश में इतना गधेरा आ गया हमारा। तो ये देखिए इतनी बड़ी गाढ़ आ गई भाई आज, और यहाँ भी पानी आ गया भाई, ये देखिए। और अब फिर से खतरा बढ़ गया, अगर बारिश होती रहेगी तो ऐसा ही खतरा रहेगा। बारिश नहीं होगी, अभी तो है नहीं बारिश। यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रही है भाई ये तीनों, और हम ना एक साथ ही में जाती है आज, हमारे साथ ही एक नहीं आ रही है भाई। ओ ब्याह कोड़ा कटा खड़ा करो भाई। तो चलिए जी चलते हैं खूबसूरत जंगल में। अभी हमारे एक सासू जी और आ रही है पीछे, उसको भी उसका भी इंतजार कर रहे हैं हम। गले देवता घड़ियाल देवता परमेश्वर महाराज बांसा देवता, हम भी पहुँचे पल्ले खाओ माँ। वो अब हम आप दखड़ी पोदे ना भाई, भीतर बैठ जाता और बर्फ लगी। डाली डाली फूलों की, तो सब चले गए इधर उधर, और मौसी लग गई यहाँ पे, ये देखिए। और दो चले गई ऊपर धार में, अरे एक चली गई इधर, और मैं छूट गई। और मैं भी यहाँ पे जाती हूँ, यहीं पे निकालती हूँ आज घास, छोटा छोटा घास ले जाऊँगी आज, मैं लंबा लंबा घास नहीं ले जाऊँगी। और अभी ना थोड़ी देर में मिलेंगे हम सब इकट्ठा होंगे, फिर यहीं पर मिलेंगे सब घास की भारी ले कर। तो अभी दोस्तों मेरी घास की बारी देखो, मैंने लगा दी अपनी घास की बारी एकदम। आजकल ना घास भी ऐसे फूल फूल वाला हो गया, पूरे फूल आ चुके हैं घास पे, और काफ़ी प्यारी लगती है घास की बारी। और अब आप हमारे दो सहेली ऊपर से आ रही हैं, अभी वो काफ़ी ऊपर हैं, और दो तो नीचे चली गई। और अभी मैं भी अपनी घास की बारी लेके नीचे धार में चलती हूँ। बाकी मैं भी आ चुकी हूँ धार में, और नीचे से मौसी जी भी आ रही घास की बारी लेके। अरे यहाँ पर ना किसी की डंडी छूट गई भाई, ये देखे। अभी घास की बारी किस पे लगाएगी? क्या छूटी हो ले आ रही हूँ लाठी जाए की छूटी हो। और इसका जल ने लकड़ी की बारी लगा दी भाई, रास्ते में इसने मुझे बंद कर दिया। किसान बुआरी आधा रास्ते में हेल पानी दे बे, ये इन सर पानी पीने लग दिया। तो चलिए जी, ये भी आ गए लोग, अल्लाह रब भी आ गई। दोस्तों ये अभी घर नहीं गई, तो दूसरी बारी की आने की तैयारी कर रही है कि शाम को बोल, शाम को फिर से आना है बोल। सासू जी लड़ गई भाई, पहले आए हुए चल। दोस्तों बरसात के टाइम पे कितना मुश्किल है भाई हमारे लिए, देखिए। अरे एक ही है ये तो, इसको क्या बोलना, इसकी लुगा टांग और बजड़े बाण बोल दी जन, बहुत बड़ा बड़ा बिठो मजा दिया कांता। नहीं ना पर अभी मैं आ चुकी हूँ घास लेके घर, अभी मैं दरवाजा खोल देती हूँ। और अंदर ना हम आज बिल्ली ना बंद हो रखी है सुबह, पता नहीं कैसे घुस गई थी अंदर, मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, अंदर रो रही है। आएगी बैर, हाँ तो ये किला आज बे हाँ। तो ये हमारी ना छोटी वाली सासू जी लोगों के आए, बिल्ली तो भग गई अपने घर। अभी सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, और फिर बनाऊँगी उसके बाद खाना और अन्य काम घर का।
तो भी दोस्तों मैंने अपनी भैंस को निकाल दिया बाहर, टाइम भी ना अभी ना 3:30 हो रही है, मैंने जल्दी निकाल दिया अपनी भैंस को बाहर क्योंकि धूप तो है नहीं, तो इसलिए मैंने बोला चला बाहर निकाल देती। वैसे मैं 4 बजे निकालती थी और अभी मुझे ना दोबारा से फिर घास के लिए जाना है, थोड़ा सा मतलब खेती में जाना है इसके लिए, शाम के लिए दूध निकालने के लिए, और हमारी 2-3 बकरियाँ हैं ना उनके लिए पत्ते वाला घास लाना है। और आजकल ना पहाड़ों में काफ़ी ख़तरा हो रखा है बारिश की वजह से, और हमारे यहाँ ना आज तो सुनने को मिल रहा है भाई, हमारे यहाँ दूसरे क्षेत्र में ना क्या बोलते हैं मतलब एक महिला की मौत हुई घास काटने के चक्कर में ना, ऊपर से पत्थर आया जंगल में और पत्थर वाले मतलब उसके सर में लगा, जैसे वो घास निकाल दी थी महिला तो पत्थर से उसके सिर में लगा और जंगली में उसकी मौत हो चुकी, तो बहुत बुरी घटना, काफ़ी बुरा लगा हमें सुन के। और हम भी हमारा जीवन भी ऐसा ही है, जंगलों में घास निकालना पहाड़ों में आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई, कहीं पर पैर का फिसलन, कहीं पर मतलब। भगवान उस बहन की आत्मा को शांति दे। जय श्री कृष्णा, जय माता रानी की।